नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल सिविल इंजीनियर विश्वजीत खंडरा में सबको स्वागत है। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा एलुफॉर्म और का बारे में। ओके, पूरा कंप्लीट प्रोसीडियो आप लोगों को बताऊंगा शुरू से शेष तक। ओके, और ये वीडियो का दो पार्ट होने वाला है। और पहला पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा शटरिंग वायर का डिटेल्स प्रोसीडियर, और सेकेंड पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा डिसेटिंग वायर का डिटेल्स प्रोसीडियर। नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर आप लोगों को बताऊंगा मैं, ओके, जिसको एसओपी बोलते हैं। तो शुरू करते माई वन फॉर्मर का डिटेल्स प्रोसीडियर। ओके, तो पहला शटरिंग वायर। तो शटरिंग वायर का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका जो फ्लोर में माई वन फॉर्मर का सेटिंग करेंगे वो फ्लोर का हाईएस्ट आरएल फाइंड आउट करना, ठीक है। तो हम लोग जो फ्लोर में माई वन फॉर्मर सेटिंग करते हैं, सेटिंग आउट करते हैं ना, वो फ्लोर को पोडियम बोलते हैं, ठीक है। देखो आप लोग अभी शटरिंग वायर का सबसे पहला स्टेप जो है आपका स्लैब का जो हाईएस्ट आरएल रहता है, हाईएस्ट आरएल के अकॉर्डिंग सर्वे पॉइंट प्रोवाइड करने का सेटिंग फ्लोर में, ओके, जिसको ग्रिड पॉइंट बोलते हैं। और एक ग्रिड पॉइंट को आपस में जब कनेक्ट करते हैं उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये जो सर्वेयर ग्रिड पॉइंट देते हैं, सर्वेयर जो ग्रिड पॉइंट देते हैं, ग्रिड पॉइंट देने का जो रूल्स है वो आप लोग को अभी बताता हूँ। देखो, हर कॉर्नर और स्टॉपर पॉइंट में ग्रिड पॉइंट देना पड़ता है। और कंक्रीट सरफेस जो रहेगा, वॉल का कंक्रीट सरफेस, उसमें से 300 mm दूरी में ग्रिड पॉइंट मारना पड़ता है, ठीक है। और ग्रिड पॉइंट को आपस में कनेक्ट करते लाइन दूरी के द्वारा रेड ऑक्साइड मार के, ओके, उसको तब ग्रिड लाइन बोला जाता है। तो ये सारे काम माई वन फॉर्मर का सेटिंग से पहले हो जाता है कंक्रीट फ्लोर में। एक उसके बाद ही हम लोग माई वन फॉर्मर का काम शुरू कर सकते हैं ग्रिड लाइन मारने के बाद, ओके। अभी हम लोगों को ये जो ग्रिड पॉइंट है, ग्रिड पॉइंट से पता चलता है स्लैब का अंडुलेशन, ठीक है। तो स्लैब कहाँ पे टाइट है और स्लैब कहाँ पे डाउन है। अगर स्लैब टाइट है तो वहां पे चिपिंग करना पड़ेगा, और अगर स्लैब डाउन है वहां पे पैनल का नीचे पैकिंग डालना पड़ेगा, ओके। जैसा प्लाई का पैकिंग हो गया, लकड़ी का पैकिंग, मोटर पैकिंग, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप माई वन शटरिंग वायर का, ओके। दूसरा स्टेप है वुडन कीकर आपका फिक्सिंग। देखो, माई वन फॉर्मर का जो वुडन कीकर है ना, ये सेटिंग फ्लोर में ओनली प्रोवाइड किया जाता है, दूसरा फ्लोर में नहीं है, क्योंकि माई वन फॉर्मर हम लोग टिपिकल फ्लोर के लिए यूज करते हैं। और ये जो वुडन कीकर है, वुडन कीकर बिल्डिंग आउटसाइड में फिक्सिंग करना पड़ता है, और लिफ्ट में दोनों साइड में फिक्सिंग करना पड़ता है, ओके। तो वुडन कीकर जो है आपका जो हाईएस्ट आरएल है, हाईएस्ट आरएल से 50 mm ऊंचा करके मारना पड़ता है, क्योंकि आरके लगता है पैनल का अंदर साइड में, ओके। इसके वजह से हाईएस्ट आरएल से 50 mm ऊंचा करके मारना पड़ता है आपको वुडन कीकर को, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है वुडन थेसी वार्क, ठीक है। तो बिल्डिंग का अंदर साइड में आपका वुडन थेसी मारना पड़ता है। वुडन थेसी का जो स्टैंडर्ड साइज होता है ना, वो एक्चुअली लेंथ में 300 mm होना चाहिए, विथ में 100 mm होना चाहिए, और हाइट में 20 से 25 mm होना चाहिए, ठीक है। तो वुडन थेसी को फिक्सिंग करना पड़ता है हॉट स्टॉपर पॉइंट में और आपका कॉर्नर पॉइंट में। और ये जो वुडन थेसी है ना, वुडन थेसी को फिक्सिंग करना पड़ता है आउटर जो सर्वे लाइन है, आउटर सर्वे लाइन से 295 mm दूरी में, ओके। और वुडन थेसी का बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए
1 मीटर ओके। वुडन थेसी को प्रोवाइड करना पड़ता है और स्टॉपर पॉइंट स्टार्ट पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स ठीक है। तो इस पोजीशन में वुडन थेसी को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अभी समझ क्या है आप लोग, वुडन थेसी बिल्डिंग का अंदर साइड में फिक्सिंग करना पड़ता है ओके। आउटर साइड में टिम्बर कीकर और वुडन कीकर फिक्सिंग करना पड़ता है ओके। वुडन थेसी प्रोवाइड करने का रूल्स आप लोगों को बता दिया। आउटर जो सर्वे लाइन है, आउटर सर्वे लाइन से 295 mm दूरी में वुडन थेसी को प्रोवाइड करना पड़ता है ओके। वुडन थेसी का जो स्टैंडर्ड साइज है वो भी बता दिया आप लोगों को ओके। मान लीजिए एक जो वॉल है, वॉल का स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दोनों साइड में वुडन थेसी रहेगा, वॉल का जहाँ पे स्टार्ट है और लास्ट तक है, और दोनों वुडन थेसी का बीच में डिस्टेंस होता है मैक्सिमम 1 मीटर ओके। ये ध्यान रख के आप लोग काम कीजिए ओके। उसके बाद आते हैं अभी इरेक्शन वॉल। अभी आप लोगों को बताता हूँ इरेक्शन वॉल। देखो माइबॉन फॉर्मर का पैनल इरेक्शन से पहले, तो माइबॉन फॉर्मर का पैनल में शटरिंग ऑयल अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है। तो शटरिंग ऑयल आप कैसे अप्लाई करोगे, रोलर से शटरिंग ऑयल अप्लाई करना है और पैनल को अच्छे से साफ करके, कॉटन वेस्ट है ना, कॉटन वेस्ट से अच्छे से साफ करना है। अच्छे से साफ करने के बाद शटरिंग ऑयल अप्लाई करना है ओके। शटरिंग ऑयल अप्लाई करने के बाद ही आप पैनल को इंस्टॉल कर सकते हो ठीक है। तो आप लोगों को पैनल को इंस्टॉल करने का सीक्वेंस बता देता हूँ पहले ओके। पहले वॉल पैनल के साथ आरके लगता है, वॉल पैनल के साथ आरके, उसके बाद टी पैनल, उसके बाद एक इनिशियल लेवलिंग करना पड़ता है। और देखो बिल्डिंग का अंदर साइड में सबसे पहले सेटिंग करना है, उसके बाद आउटर साइड में सेटिंग करना है वॉल टाइल लगभग ओके। तो वॉल पैनल और वॉल टॉप पैनल लगाने के बाद एक इनिशियली लेवलिंग करना पड़ता है। देखो आप अगर इनिशियल लेवलिंग किए हो तो फाइनल लेवलिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा ओके। तो इनिशियल लेवलिंग दो तरीका से होता है, एक नंबर वाटर लेवलिंग और दो नंबर लेसर लेवलिंग ओके। इनिशियल लेवलिंग के बाद बीम बॉटम, WX पैनल, ऑल SL, उसके बाद ऑल डेक पैनल, EB, MB, DP, CP, जो भी रहेगा माइबॉन फॉर्मर का कंपोनेंट पर उसको सेटिंग करना रहता है ओके। देखो अभी तो आप लोग समझ गया है तो इरेक्शन वॉल किस तरह से होता है माइबॉन फॉर्मर का ठीक है। तो अभी इसका लेवलिंग वॉल में पहले इनिशियल लेवलिंग वॉल, उसके बाद फाइनल लेवलिंग वॉल। इनिशियल लेवलिंग वॉल कब करना पड़ता है, आपका W पैनल और T पैनल इंस्टॉल करने के बाद आपका इनिशियल लेवलिंग किया जाता है। इनिशियल लेवलिंग दो तरीका से होता है, एक वाटर लेवल और दूसरा लेसर लेवल ठीक है। ये दो तरीका से इनिशियल लेवलिंग होता है, उसके बाद फाइनल लेवलिंग होता है। फाइनल लेवलिंग में क्या करना पड़ता है, फाइनल लेवलिंग में आपका प्लान भी चेक करना पड़ता है, उसके बाद अलाइनमेंट भी चेक करना पड़ता है ठीक है। तो अभी आप लोगों को बताते हैं मैं, आपका जो फाइनल लेवलिंग होता है, फाइनल लेवलिंग आप कैसे कैसे कर सकते हो। देख एक नंबर तो ऊपर में आपका लाइन दौड़ी लगा के स्लैब का अंडुलेशन चेक करने का ठीक है। इस तरह से होता है, नीचे से प्रॉप जैक को टाइट करना पड़ता है, ऊपर से आपका स्लैब में वॉल टाई लगा के देखना पड़ता है ठीक है। ये वाला तो हो गया एक लेवलिंग का। दूसरा है ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट यूज करके लेवलिंग कर सकते हो ठीक है। उसके बाद तीसरा है लेसर लेवलिंग। तो लेसर लेवलिंग मशीन यूज करके आप माइबॉन फॉर्मर का लेवलिंग कर सकते हो, और वर्टिकलिटी चेक करने के लिए माइबॉन फॉर्मर का प्लान चेक करना पड़ता है ठीक है। हर कॉर्नर में आपका बिल्डिंग का जितना रूम रहता है ना, कॉर्नर में प्लम चेक करना पड़ता है ओके। अभी अलाइनमेंट चेक,
अलाइनमेंट चेक करने के लिए आपको जो अलाइनमेंट क्लैम है ना, अलाइनमेंट क्लैम लगाना पड़ेगा, ठीक है। अलाइनमेंट क्लैम लगाने के बाद आपका अलाइनमेंट क्लैम का बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 1200 mm, ये आप लोग ध्यान में रखिए। उसके बाद आपका अलाइनमेंट क्लैम जिसको बोलते हैं उसको पुशपुल प्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो पुशपुल प्रॉप्स है 5 से 10 mm तक हम लोग फॉर्मवर्ड को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑयलर क्लैम लगा के ऑयलर फिक्सिंग करना पड़ता है हर वाल में, एक साइड में, दोनों साइड में नहीं है। आपका जो बिल्डिंग का वाल रहता है वाल में, हर वाल में ऑयलर क्लैम लगा के, ऑयलर लगा के उसके बाद अलाइनमेंट कर सकते हो। उसके बाद जहाँ जहाँ पे वॉल टाइम नहीं रहता है वहाँ पे डबल चैनल का ऑयलर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल सोल्जर, पार्टिकल सोल्जर यूज करना है, एल एंगल यूज करना है। उसके बाद पिन वेजेस, पिन वेजेस चेक करना है। पिन वेजेस का बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका हर वाटर स्लॉट में वाटर होना चाहिए, ओके। उसके बाद आपका फाइनल लेवल चेक करके प्लम को चेक कर लेना है। ये सारे आपका काम होना चाहिए प्रॉपर तरीका से, ओके। यही हो गया फाइनल लेवलिंग वर्क। उसके बाद आपको स्लैब का जो स्टील वर्क है, स्टील वर्क कंप्लीट होने के बाद ऊपर में स्लैब का ऊपर में संकन का जो है, संकन मटेरियल को फिक्सिंग करना है। संकन मटेरियल को फिक्सिंग करने के टाइम ध्यान में रखने का, संकन मटेरियल जो है वो एक्चुअली ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही फिक्सिंग करना है। और संकन मटेरियल अगर इमेज का होगा तो उसमें सॉल्डरिंग ऑयल और ग्रीस अच्छे से लगाना है, ठीक है। अगर आपका एलुकॉम मटेरियल का होगा तो उसमें ऑयल, सॉल्डरिंग ऑयल अच्छे से अप्लाई करना है। अगर एलुकॉम मटेरियल का संकन मटेरियल होगा तो वहाँ पे फॉर्म आपको भरना रहता है, फॉर्म प्रोवाइड करना रहता है, नहीं तो कंक्रीट घुस जाता है, क्योंकि एलएस रहता है ना एलुकॉम मटेरियल का संकन मटेरियल बोले तो वो एलएस होता है, इन्वर्टेड सॉफ्ट लेंथ, तो वहाँ पे गैप रहता है, नहीं तो कंक्रीट घुस जाता है, ठीक है। और आपका लेग और सपोर्टिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा अच्छा तरीके से, ओके। एक्चुअली फाइनल लेवलिंग, फाइनल अलाइनमेंट और फाइनल सपोर्टिंग वर्क का काम हो जाने के बाद तो बिल्डिंग को कंक्रीट करना पड़ता है, ठीक है। तो और एक बात बताने के लिए मैं भूल गया, तो जहाँ जहाँ पे काटआउट का लोकेशन रहेगा ना, तो काटआउट वहाँ वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ड्राइंग में नहीं दिया रहेगा काटआउट का लोकेशन, तो आपको अगले फ्लोर में काम करने के लिए काटआउट प्रोवाइड करना पड़ेगा स्लैब का ऊपर, ओके। देखो आपका बिल्डिंग में जैसा कंडीशन रहेगा उसी तरह आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्चुअली एक बेडरूम का आपका जो हॉल गला रहता है, हॉल गला में एक काटआउट प्रोवाइड किया जाता है, ओके। उसके बाद कंक्रीट होने के बाद मतलब फिनिशिंग जब होता है ना, तब वो काटआउट का बॉन्ड भी कर देते हैं, ओके। तो काटआउट प्रोवाइड इसके लिए करते हैं ताकि मटेरियल नीचे फ्लोर से ऊपर फ्लोर में आसान तरीका से उड़ जाए, ओके। तो ये सब काम होने के बाद आपको फाइनल कंक्रीटिंग किया जाता है। तो कंक्रीटिंग जो किया जाता है वो एक्चुअली फ्री फ्लो कंक्रीट होना चाहिए और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो वर्किबिलिटी है ना, वर्किबिलिटी मिनिमम 650 mm डायमीटर होना चाहिए फ्लो कंक्रीट का, ओके। और ये जो कंक्रीट है ना 2 से 3 स्टेप में प्रोवाइड किया जाता है, नहीं तो सिंगल पोर में अगर करोगे तो वहाँ पे बाल्टी भरने का चांसेस रहता है, वॉल टाइप ब्रेक होने का चांसेस रहता है, ठीक है। इसके लिए 2 से 3 स्टेप में कास्टिंग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का भी समझ गए होंगे माइक्रोन फॉर्मवर्क का
शटरिंग सेंटरिंग का काम कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें किसी का कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा डिसटरिंग का डिटेल्स वीडियो, ओके।